अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ अपनी किचन में आपके लिए मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ ये सोयाबीन की बिरयानी, या इसे सोया पुलाव भी कहते हैं, या सोयाबीन की बिरयानी कह लो। तो आज हम ये सोया पुलाव बनाने वाले हैं। ये हमारी 100 ग्राम सोया चंक्स हैं, जिसे हमने 1-1.5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था पानी में। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। और आप इस तरीके से उंगली से इसे स्पंज करके देख लें। और जो इसका पानी था, इसे हमने दोनों मुट्ठियों से हाथ से ऐसे निचोड़ के सारा पानी इसका निकाल दिया है। और इसे हमने कई पानी से 2-3 बार पानी से धो लिया है, वॉश कर लिया। अब ये हमारी रेडी हैं पुलाव में जाने के लिए। पुलाव बना रहे हैं हम बासमती राइस का। तो ये हमारे आधे किलो बासमती राइस थे, इसे भी हमने कम से कम तकरीबन 25 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। सोया पुलाव बनाने के लिए हमने कुकर में अपना ऑयल ऐड कर दिया है। हमने अपना रिफाइंड ऑयल ऐड करा है, आप चाहें तो इसे सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन बिरयानी हम अक्सर रिफाइंड ऑयल में ही बनाते हैं। तो उसके लिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये हमने पहले से ही गर्म करके रखा था। तो उसके लिए हम ये कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे। ये हमारा 1/2 टीस्पून जीरा है, और बड़ी एक इलायची है जिसका हमने इस तरीके से मुंह खोल लिया है, और 2 हमारी सफ़ेद इलायची हैं, और 3-4 हमारी लौंग है, और 4-5 हमारी काली मिर्च, और 2 बे लीव्स। ये हमारे खड़े मसाले जाएंगे इसके अंदर। हल्का सा सोटे करेंगे अपने मसालों को। तो देखिए हमारा मसाला चटक चुका है। अब इसमें अपनी ये पहले हम सोया चंक्स डालेंगे, फ्राई करेंगे इन्हें। तो देखिए हमारी सोया की बड़ी एकदम फ्राई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम ये हमारा 2 टेस्ट स्पून सौंफ धनिया का पेस्ट है, और 2 टेस्ट स्पून हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये डालेंगे हम, बिरयानी बना रहे हैं हम तो इसमें सौंफ धनिया का पेस्ट भी जाएगा। साथ ही डाल देंगे ये हमारी 4 से 6 मिर्चें हैं, 4-5। 3-4 हमारी ये लाल वाली मिर्चा थी, और ये 2 से 3 हमारी हरी मिर्चा थी जिसे हमने कट कर लिया। एक छोटी वाली कटोरी हम दही डालेंगे। ये हमारे 3 से 4 टमाटर थे, इन्हें डाल देंगे हम। इसके साथ ही हम अपने मसाले में 1 टेस्ट स्पून के करीब नमक डालेंगे। साथ ही हम ये हमारी 200 ग्राम मटर है फ्रोजन, जिसे हमने धो के वॉश कर लिया है। अब इसे ऐड कर देंगे हम। सोया पुलाव बना रहे हैं और मटर न जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मटर से ही हमारी बिरयानी में टेस्ट आता है दुगना, और खाने में इतनी टेस्टी लगती है ये, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। और सोया चंक्स हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, आप अपने बच्चों को इन्हें ज़रूर खिलाएँ। देखिए हमने अपनी सोयाबीन की पड़ियों को और मटर को साथ में 5-6 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लिया है अपने मसालों में, और ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला। एकदम अच्छी सी लाजवाब खुशबू आने लगी है इसमें। अब इसमें अपने हम चावल ऐड कर देंगे। ये हमने चावल ऐड कर दिए हैं सारे। ये हमारा छोटा वाला जग है, ये हम 2 जग पानी डालेंगे इसमें। 1 जग तो हमारा जा चुका है इसके अंदर, और ये हम 1 जग से थोड़ा सा हल्का सा कम है हमारा, ये डालेंगे। मिक्स करेंगे तो बिरयानी बने और मिर्च का अचार ना जाए तो बिरयानी का मज़ा ही अधूरा है। ये हमारा 3 स्पून बिरयानी का मिर्च वाला अचार है, ये डाल देंगे हम। इससे हमारी बिरयानी का जायका डबल हो जाता है। मसाले का नमक हमने पहले डाल दिया था, अब हम चावलों का नमक डालेंगे। ये हमारी बड़ी वाली स्पून है, ये हम भर के डालेंगे, और हमारे चावलों में हमें लगता है हमारा नमक एकदम परफेक्ट बैठेगा। आप नहीं तो इस वक्त चख सकते हैं नमक पानी में, अगर आपको कम लगे तो दोबारा ऐड किया जा सकता है यहाँ नमक। हमारा नमक एकदम परफेक्ट है। अब इसकी लीड से कवर करके इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे, उसके बाद खोल के दिखाएंगे फिर अपना पुलाव हम आपको सर्व करके।
तो देखिए हमारी सोया बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। यह सोया पुलाव एकदम कितना बढ़िया और एकदम जायकेदार बना है, आप देख सकते हैं। इसे हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है और कुछ खीरे ले लिए हैं साथ में। ये खाने में बहुत जायके की बनती है, बड़ों को छोटों को सभी को इतनी पसंद आती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें।